कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का सामाजिक विज्ञान के क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोग को अध्याय 4 जो था राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद कल पढ़ाए थे, आज हम पढ़ाएंगे दूसरी हेडिंग राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के उदय के कारण तो इसमें देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कोई एक कारण नहीं था, अपितु विभिन्न परिस्थितियों एवं परिवर्तनों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उद्भव में अपना योगदान दिया, जो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, व्यापारिक पुनरुत्थान, भौगोलिक खोज, 1917 के रूस की क्रांति, नेपोलियन का एकीकरण, बौद्धिक क्रांति, इसके अलावा औद्योगिक क्रांति आदि ऐसे कारण हैं जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला है, जिसको राष्ट्रवाद के क्या किया है, बढ़ावा दिया है। इसमें देखेंगे राष्ट्र राष्ट्रवाद के उदय उदय के निम्न निम्न कारण है, निम्न कारण हैं। नंबर एक है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। अगला है धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन। अगला है औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण। भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज। मध्यम वर्ग के उदय का कारण, मध्यम वर्ग का उदय, रूस की क्रांति, रूस की क्रांति। आगे है नेपोलियन, प्रशासनिक नेपोलियन का प्रशासनिक नेपोलियन का प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार।
बौद्धिक क्रांति बौद्धिक क्रांति औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति के साथ साथ औद्योगिक क्रांति के साथ 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 मानवता मानवतावादी गुण राष्ट्रवाद के उदय राष्ट्रवाद के उदय को प्रभावित किया प्रभावित किया था इसमें देखेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण भी राष्ट्रवाद का कल आपको बता दिया गया था जिसकी अलग सीमा होती है अलग प्रतीक होता है अलग अलग भाषा अलग अलग संस्कृतियां आदि होती हैं तो ये राष्ट्रवाद के उदय के निम्न कारण है जैसे पुनर्जागरण आप लोग को पहले अध्याय में बताया गया है पुनर्जागरण का मतलब होता है अंधकार को त्याग करके प्रकाश की ओर आना अंधकार को त्याग करके प्रकाश की ओर आना अथवा अज्ञानता को छोड़ करके ज्ञान की ओर अग्रसर होना पुनर्जागरण कहलाता है जो आपका अध्याय एक में पढ़ चुके हैं दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन तो आपको पता है कि भारत में प्रमुख रूप से 8 धर्म हैं और हर धर्म में कुछ न कुछ बुराइयां होती हैं अपने अपने धर्मों की जो अज्ञानता थी उसको दूर करना ही धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है यानी परंपरागत जो रूढ़िवादी अंधविश्वास से भूत प्रेत आज जादू टोना में विश्वास करते थे उनको त्याग करके नए ज्ञान की ओर आना धर्म सुधार आंदोलन होता है जैसे सती प्रथा का अंत हुआ धर्म सुधार आंदोलन में ब्राह्मणवाद का खंडन हुआ बाह्य आडंबर का खंडन हुआ जो अंधविश्वास थे उसका खंडन किया गया ये धर्म सुधार आंदोलन है औद्योगिकीकरण है तो ज्यादा से ज्यादा उद्योगों की स्थापना करना भौगोलिक खोज जैसे आप लोग जानते हैं कि वास्को डिगामा कोलंबस मैगलन पुर्तगाली या जितने भी यात्री हैं वो भौगोलिक यात्रा किए और कहीं कहीं किसी वस्तु का खोज किए चाहे वह अमेरिका की खोज हो चाहे वह भारत की खोज हो अगला है मध्यम वर्ग का उदय तो पुनर्जागरण या राष्ट्रवाद से जो मध्यम वर्ग था उसका उदय हुआ उसका विकास हुआ रूस की क्रांति आपको 9th में बताया गया है कि रूस के जार के विपरीत नेपोलियन जो था वह प्रशासनिक सुधार किया था प्रशासनिक सुधार किया था अगला है बौद्धिक क्रांति का भी प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति जो आपको अभी पिछले पाठ में हम पढ़ाए कि उत्पादन के साधनों में आमूलचूल जो परिवर्तन होता है उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं के साथ साथ मानवतावादी यानी जो पूंजीवादी था
वह केवल अपने लाभ के लिए दूसरे का हित नहीं देखता था, लेकिन ये जो मानवतावादी है यह क्या करता है, अपने लाभ के साथ साथ दूसरे का हित भी देखता है। इसलिए इसे हम मानवतावादी गुण जो है राष्ट्रवाद के उदय को प्रभावित किया। तो इतनी हेडिंग है आपकी जो है वो राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रवाद का विकास किस तरह से हुआ है उसको हम अगली हेडिंग में बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।